चलो बिरध आश्रम, यह दया विचों निकलिया, बिल्कुल मैं बटिंग नहीं करांगा वाहगुरु जी, सतगुरु दे देनदार होवांगे, जिहदा भी परउपकार करदा है, परउपकार दया तो बिना हो ही नहीं सकता, जे दया है तो परउपकार होवेगा। एक मैं आपनूं बेनती करांगा, अस्थान बना दिता है, यतन करिए कि इत्थे लोड़वंद आवे, उंज वैसे आप सेवा करो, जी सदके करो, पर मेरी खत जोड़ के बेनती है, मापे लखी हजारी नहीं जे लभदे, अपने घरां विच अपने मापियां दी सेवा जरूर करो, मेरी बेनती है। पर अज की हुंदा है, मैं थोड़ा जिहा बाणी चो, यह अज दी प्रॉब्लम नहीं, यह गुरु काल विच भी सी, यह क्यों बिरध आश्रम बनाने पे, हालांकि पूर्व दी धरती ते गुरु कल सन, गुरु कुल सन, गुरु आश्रम सन, पर अज यह तां बनाने पै गए, क्योंकि जदो साडा समाज अपने बजुर्गों नूं संभालन लई तैयार नहीं, तो फिर गुरु ने तो कोई ना कोई थां उन्हां वास्ते बनानी है ना, सतगुरु ने तेरा देना। एक मैं उदाहरण आप जी नूं देना, यह भी मैं विषय तो थोड़ा जिहा हट के, पर क्योंकि अज बिरध आश्रम की आरंभता है, तो सतगुरु कृपा करे, मैं तो वड़दियां इको गल कही सी कि दस रहे सन भगत जी कि डॉक्टरां दा, सेवा वालियां दा, लांगरियां दा, सब दा प्रबंध कीता है, मैं तो वड़दियां इको गल कही सी, दाता जो जी आवे सो राजी जावे, तो मेहर करी इत्थे जिहड़ा आवे उहनूं सकून मिले। भाई गुरदास साहब इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा ये स्वरूप है ना, ये छापे वाला, ये 1200 अंग ते एक शब्द है, ते शब्द गुरु रामदास दा है, गुरमुखो शब्द नूं जदों ध्यान नाल आपां पढ़ने आ, उहदे विच बाबा पिरथी चंद पिता जी दे सामने बोले ने, पर यह भी जरूरी कि जे बजुर्ग ने ते उह भी जे नूं घर विच आईए ते मत समझन कि मेरी ये धी नहीं, जे बाहरों भी आईए उहनूं धी दा दर्जा दईए, धी दी अपनी थां है, पर नूं भी धी दे थां है। अज मुश्किलां ये भी ने ना, हुण उत्थे बाबा पिरथी चंद गुरु रामदास दे सामने बोलदे आ, ते गुरु रामदास ने बकायदा बाणी च कह दिता, काहे पूत झगड़ता हो संग बाप, इहदा मतलब कि पुत्तर पिता दे सामने बोलिया, कहिंदे ने मेरे पुत्तर तू क्यों पिता नाल झगड़ा करना है, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सौ झगड़त पाप, और जिन्हां ने तेनू जन्म दिता, मां ने कुख च पालिया, प्यो ने गरीबी जो मर्जी उन्हें खंडाया, तेनू सुख इन सर्वकाल च लैना, अर्थ केवल उत्थे नहीं, जिन्हां ने तेनू जन्म दिता, जन्म देण वाले नू कबूल बोलीए ते बड़ा वड्डा पाप लगदा है, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम को तीन सौ झगड़त पाप, जिस धन का तुम गर्व करत हो, तो पुत ये कहे देखो जी तुहाडे पल्ले की सी, मैं कमाइयां कीतियां, मैं आ कोठी बनाई, मैं आकार लियांदी, मैं आ कुछ कीता, तो नहीं प्यारिया जे मां ही जन्म ना देंदी तू कित्थों सब कुछ लेके आ जाना सी, कुख दी कोई कीमत अदा कर सकदा है। मैं तो एक बेनती करांगा, वैसे क्योंकि हुण सारे असीं बाहर ही तुरे फिरने आ, मापे इत्थे रहिंदे आ, पात्र ने गल कही सी, विदेशां च रुलदे ने जो रोजी दे लई, परतनगे देश अपने कदी, कुछ तो सेकणगे मां दे सिवे दी अग, बाकी कबरां दे रुख हेठ जा बहन, कहिंदा परदेश च रहिंदे आ, पता नहीं जदों वापस आउणगे, कोई मां दा सिवा वेखण आवेगा, कोई जिथे प्यो दा संस्कार कीता रुख वेखण आवेगा, ये हालत बन रहिंदे ने, विदेशां च रुलदे ने जो रोजी दे लई रोटी दे खातर, परतनगे देश अपने कदी, कुछ तो सेकणगे मां दे सिवे दी अग, बाकी कबरां दे रुख थले जा बहेंगे, हालात बन चुके आ। पर मैं एक बेनती करा, शायद अगे भी कीती होवे, इहनूं मोह नाल नहीं, मोह दी अपनी थां हुंदी है, फर्ज दी अपनी थां हुंदी है, फर्ज अदा करना बहुत जरूरी है, इहनूं मोह च लैके ना करना, भी एक पासे दे बाणी कह रही है, जनन पिता लोक सुध बनता कोई ना किस की धरिया, नहीं प्यारियो, जदों साडा जन्म हुंदा, बीबियां भैणा साडियां धियां बैठियां ने, मातावां, तुसीं मेरी गल नूं होर अर्थां च ना लिओ,
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਕੂਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਧੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਥਰਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦੇਣੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੀੜਾ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸ ਜਾਂ ਦਾਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਉਹ ਮਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਥਰੂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਥਰੂ ਉੱਠਦਾ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੂਤ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝਗੜਤਾ ਪਿਆ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੌ ਝਗੜਤ ਪਾਪ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟ ਜਾਏ ਬਿਖੇ ਅਰਸ ਤੋ ਲਾਗੈ ਪਛਤਾਪ ਮੈਂ।